गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड पार्ट नंबर 4, माँ की सीख। तो आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 4, माँ की सीख। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं। लेसन नंबर 4, माँ की सीख, जो हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 4, माँ की सीख। अब देखिए, इसमें कुछ बातें पूछी हैं हमसे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है। आपकी माँ आपको क्या क्या सिखाती है? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पहली गुरु होती है वो हमारी माँ होती है। और हमारी माँ हमें क्या क्या नहीं, हमें सब कुछ हमारी माँ सिखाती है। जो हमारी माँ होती है सब कुछ सिखाती है। और जो माँ है वो भगवान का रूप है। तो माँ हमें सब कुछ सिखाती है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, सब कुछ सिखाती है हमारी। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है या नहीं? अच्छा लगता होगा। अब तो आप वैसे भी मिस कर रहे होंगे स्कूल को, क्योंकि इतने टाइम से स्कूल नहीं आए, अपने दोस्तों से नहीं मिले, तो आप स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे। अभी आपके साथ साथ आपको मिस कर रही हूँ और स्कूल को भी मिस कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अब कब खुलते हैं हमारे स्कूल। अभी तक आपने स्कूल में क्या क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा है स्कूल में। अब आगे भी सीखेंगे, जो कुछ सीखा वो भी बहुत अच्छा सीखा और आगे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, कि शिक्षा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। एंड नेक्स्ट, शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर जो इंसान जिसके पास शिक्षा नहीं है, मतलब शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वो इंसान मनुष्य के पशु के समान होता है। और शिक्षा में मनुष्य के ज्ञान का विस्तार मिलता है और उनकी बुद्धि का विकास होता है। और स्टूडेंट्स, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, वो कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है। एंड स्टूडेंट, और उसकी बुद्धि का विकास होता है। एंड नेक्स्ट, एक बालक था। ध्यान से सुनना स्टोरी स्टूडेंट्स, कैसे माँ अपने बच्चे को सीख देती है। एक बालक था, उसका नाम था विलहेम था। क्या नाम था स्टूडेंट्स? विलहेम। वह बहुत शरारती था, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। उसे हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने को जिद करने लगता। माँ की नाक में दम कर देता, वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज्यादा करता रहा। अब देखिए, विलहेम नाम का बच्चा था, बहुत शरारती था, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। और वह बहुत शिक्षक के नाक में दम कर। अब देखिए, एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था, तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। अब जब स्कूल से लौट रहा था, तो उसने अपने किसी बच्चों को, मतलब जो दूसरे बच्चे थे, वो खेलते हुए देखा। उसकी माँ के साथ आ रहा था, तो उसने खेलते हुए बच्चों को देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, देखो ये कितने खुश लग रहे हैं, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं? अब देखिए कैसे कह रहा है कि माँ आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं, वो बच्चे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं ना स्कूल जाकर भी। अब देखिए, माँ ने भी हेम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। माँ ने क्या कहा आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले दिन माँ ने विलहेम को घर के बाहर उठे हुए झाड़ झाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? अब देखिए स्टूडेंट्स, उसकी माँ कितने अच्छे से उसे समझाती है विलहेम को। अब देखिए, झाड़ झाड़ जो है उसे किसने उगाया है? माँ, ये तो खुद ही उगाए हैं। अब विलहेम ही कह रहा है कि माँ, ये तो खुद ही उगाए हैं, सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विलहेम कर दिया। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा, ये पौधे कैसे हैं? माँ, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। अब देखिए विलहेम की वाणी,
माँ ये तो बहुत ही सुंदर है, लाल पीले गुलाबी गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। अब माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा तुम्हें वे झाड़ झकार पसंद हैं या गुलाब के ये फूल? अब देखिए माँ इन सुंदर खुशबूदार फूलों को उन झाड़ों से क्या मुकाबला। अब देखिए भी हेम कैसे कह रहा है स्टूडेंट्स कि माँ इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ों से क्या मुकाबला। विलहेम ने जवाब दिया। अब माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज्यादा सुंदर हैं क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। बेटा जीवन भी ऐसी ही है, अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम्हें और स्कूल न जाने वाले उन बच्चों में क्या फर्क है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। माँ की यह सीख विलहेम ने गांठ बांध ली, वह पढ़ाई में मन लगाने लगा और आगे चलकर इन्हीं विलहेम रोटेजन ने एक्सरे मशीन की खोज की और भौतिकी में नोबल पुरस्कार प्राप्त किया और ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या सीख मिली इस पार से, क्या सिखाया उसकी माँ ने अपने बच्चे को कि शिक्षा तथा मेहनत करने का महत्व, जो शिक्षा पर अब बच्चों पर कैसे उसकी माँ मेहनत करती है और बच्चे जो है शिक्षा का महत्व जानते हैं, मतलब शिक्षा के प्रति जिज्ञासु होना, व्यवहारिकता और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, सोच समझ कर काम करना। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, शरारती बेजोड़ शिक्षक फर, ये आपने शब्दार्थ करने हैं। दो हमारे मुहावरे हैं, नाक में दम करना, गांठ बांधना और ये हमारे श्रुति। तो स्टूडेंट्स आज का वर्क आपका इतना ही है और आपने इसे इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इनके शब्दार्थ मुहावरे और श्रुति आपने राइट करना है। सो स्टूडेंट्स आज का वर्क आपका इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।